तो गाइस आज हम करने वाले हैं अलग अलग बजट के साथ में जंगल सर्वाइवल चैलेंज। और गाइस ये प्लीको बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको कितना बजट मिलेगा। तो सबसे पहले कौन डालेगा बोल? मैं डालूंगा। तो गाइस देखते हैं कि किशोर को कितना बजट मिलता है। भाई सबसे कम मिलना चाहिए, सबसे कम मिलना चाहिए किशोर को। अरे यार 4000 मिल गए गाइस, 4000 रुपए मिल गए इसको तो जंगल सर्वाइवल चैलेंज में। ये आराम से सर्वाइव कर लेगा भाई, आराम से फुल दबा के पार्टी करूंगा गाइस, फुल दबा के खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा। भाई साहब कपड़े भी इसी में लेने हैं तुझे। अरे आराम से 4000, तू कुछ नहीं लेके जा सकता, कुछ भी नहीं। 4000 रुपए से नया सामान खरीदना और उसी से सरवाइव करना। तो गाइस अब बारी है दिनेश की, देखते हैं कि यार इसके कितने पैसा निकल गए। भाई 1500 मेरे से कम में। फाइनली गाइस मेरी बारी आ चुकी है और आपको पता होगा यार मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। भाई फुल पैसा निकालूंगा यहाँ से, फुल पैसा देखो आप। भाई मेरी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी है, बहुत बढ़िया किस्मत है आपकी, आपको मिले पूरे 250 रुपए। आया मजा सा सबसे ज्यादा मेरे को भाई, उससे आराम से खाऊंगा पीऊंगा। 250 रुपए में कैसे सर्वाइव करूंगा, चड्डी में नहीं आएगी ऐसे नंगा पूंगा। फाइनली गाइस हम सबको अपना अपना बजट मिल चुका है। मेरे पास में 250 रुपए, इसके पास में भाई 1500 रुपए है और इसके पास में टोटल 4000 रुपए है। सबसे कम मेरे पास में है यार, कैसे सर्वाइव करूंगा यहाँ पे, आप देखो केवल 250 रुपए है। चलो यार कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, मैं क्या खरीदूंगा यार इतने कम पैसों में। गाइस फुल पैसा अपने पास, तो मैंने अपनी कैंपिंग के लिए टी शर्ट, ये है लोअर, ये है टोपी और ये है शूज, और अब लूंगा खाने पीने की चीजें, उसके बाद में लूंगा टेंट और इन सब चीजों को डालने के लिए बैग भी लेना है। गाइस मेरे पास में तो बजट ही नहीं है, बजट के नाम पर केवल शगुन के 250 रुपए है। तो यहाँ पे आप देखो ये मैंने लिया है 99 रुपए का चड्डा, भाई इज्जत तो बच जाएगी मेरी। और गाइस मैंने अभी लिया है 700 रुपए का बैग, अभी भी मेरे पास फुल पैसा है। गाइस मैंने ये झोला लिया है जो कि सामान ले जाने के लिए काम में आएगा जंगल में, और ये टी शर्ट ली है और एक ये शॉर्ट लिया है और ये चप्पल, इन्हीं में मेरा 1000 रुपए तो पूरा हो चुका है। अब बचे 500 रुपए, उसमें मेरे को खाने के लिए और नाइट में ओढ़ने के लिए चीज़। तो भाई मैं तो मॉल से निकल के बाहर आ गया भाई वापस, और सारी की सारी चीज़ें महंगी थी। अब मेरे पास में केवल 150 रुपये बचे हैं, और 150 रुपये के अंदर भाई मुझे है ना रात बिताने के लिए भी कुछ लेना है, और इसके अलावा दोस्तों खाने पीने की चीज़ें भी लेनी है। भाई काफ़ी महंगा होगा, काफ़ी महंगा। सबसे पहले गाइस है ना मैं लूंगा एक पन्नी, ठीक है ना, यानी कि एक तरपाल लूंगा जिससे मैं मेरी झोपड़ी बनाऊंगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आप देखो भाई मैंने 100 रुपए की पन्नी ली है, ये तो केवल मेरा घर का जुगाड़ है, इससे मैं बनूंगा मेरा घर। तो भाई ये ले लिया फाइनली पन्नी, अब बस 50 रुपए की खाने पीने की चीजें लूंगा। 2000 years later फाइनली गाइस जो शॉपिंग है वो दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी मैं आ चुका हूँ जंगल के अंदर, और यहाँ पर आप देखो भाई साहब वो खड़ी है अपनी कार, और अब हमें जाना है डीप जंगल में। इस जंगल के अंदर हमें नाइट स्पेंड करनी है और सर्वाइव करना है भाई, काफी गाइस यार सबसे कम मेरा ही बजट था। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ना मेरी इज्जत बचाने के लिए ये 100 रुपए का चड्डा लिया, और इसके अलावा भाई सबसे कम सामान है मेरे पास में। देखो 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 क्या है, मैं एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ। ये है 20 रुपए वाला कुरकुरा, ये है भाई साहब सस्ती वाली 10 रुपए की पानी की बोतल, और ये एक पाले जी बिस्किट। इसके अलावा गाइस ये देखो ये च्युइंगम है 10 रुपए वाली बबल गम, और ये 2 रुपए का तिरपाल, यानी कि ये 100 रुपए की प्लास्टिक की पन्नी है जो देखो कितनी बड़ी है। और भाई इसी से मैं अपना घर बनाने वाला हूँ और जंगल में सर्वाइव करने वाला हूँ। बस इतना सा सामान है मेरे पास में। तो देखो भाई तेरे पास में तो बहुत कुछ है भाई, इसमें तेरा घर जाएगा। 250 रुपए की मेरा चश्मा है, केवल 250 रुपए की चश्मा है तेरी। गाइस इसकी जो चश्मा है वो है 250 रुपए की, और यहाँ पे आप देखो भाई साहब मेरा बजट ही 250 रुपए का था। सच में यार 250 की चश्मा, 70 रुपए की पानी का कैन, और 1500 रुपए का ये टेंट नया बिल्कुल पेटी पैक। गाइस इसके पास में अपना टेंट भी है भाई, मुझे तो अपना शटर बनाना पड़ेगा जंगल में, यानी कि अपना घर बनाना पड़ेगा जंगल में। और खाने पीने की चीजें की कोई कमी नहीं है, ये देखो भाई कितने महंगे महंगे लाया यार तू, प्रिंगल्स प्रिंगल्स भी लेके आया, ये ब्रेड, ये देखो मुझे शर्म आ रही है मेरा बजट दिखाते हुए आपको ये। और गाइस मैं चलता चलता थक जाऊं, पैर दुखने लग जाए तो ये मूव लगा लूंगा, और ये रात को मच्छर खाएंगे तो ये भी लगा लूंगा शरीर के ऊपर भाई, ये भी लेके आया ताकि मच्छर ना काटे। देखो और ये बैंडेज, कहीं चोट वगैरह आ जाए तो ये लगा लूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान लेके आया तू, ये देखो ओ बडवाइजर, बडवाइजर गाइस यहाँ पे आप देखो ये फ्रूट बियर भी लेके आया है भाई साहब, फुल रही सी है यार। और ये मेरा 700 रुपए का बैग, 699 रुपए का, 700 रुपए का बैग, टेंट वगैरह देखो भाई इसके पास में कितना सारा सामान है। गाइस अब है इसकी बारी, देखते हैं कि इसके झोले में क्या क्या है। पहले तो वेफर है मेरे पास एक भाई, 50 रुपए का वेफर लेके आ रहा है ये देखो, देखो ब्रेड, ब्रेड खाने पीने के लिए, बिस्किट पतंजलि का है भाई, कितना सारा सामान लेके आया तू, बिस्किट कोकोनट, और ये फ्रूटी पीने के लिए, और ये चॉकलेट टाइम पास करने के लिए, और ये 2 पानी की बोतल देख महंगी वाली है, तेरे पास तो सस्ती वाली बोतल है भाई, मेरे पास में 10 रुपए वाली है, इसके पास में बिस्लरी है, दो दो है वो, इधर देख इधर, और जैम,
ये भाई 5 लीटर का केन लेके आ गए पानी के लिए। ये मेरा खाने पीने का सामान और ये रात में उठ के सोने के लिए कंबल और ये आउटफिट है मेरा, शॉर्ट टी शर्ट और चप्पल। गाइस मुझे शर्म आ रही है यार, देखो भाई चश्मा वगैरह चप्पल वगैरह सब कुछ लेके आए, जूते वगैरह, यार मेरी बारह बजा दी इन लोगों ने। मेरे ऊपर भले ही 30-40 परमाणु बम गिर जाए लेकिन है ना ऐसे खुदगर्ज दोस्त ना मिले भाई, वो आगे भाग गए डीप जंगल में और मुझे पीछे ही छोड़ दिया, मेरे पास ना ही चप्पल है। इसको निकालो ना यार, भाई कब के काटे काटे लग रहे मेरे तो। भाई साहब थक गए गाइस ऊपर चढ़ते चढ़ते, और वो तो बहुत पीछे अभी तो दिखाई नहीं दे रहा वो तो, क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं है गाइस, उसको संभल संभल के चलना पड़ेगा हर एक कदम। पानी पिलाने यार। भाई मेरा पानी क्यों पिलाऊं, तेरा भी इतना सारा है तेरे पास, मेरे पास तो 2 बोतल ही है बस। ठीक है मत पिला, मेरे पास तो 5 लीटर पानी है और तो इसके पास 2 है गाइस, उमेश के पास तो 1 बोतल है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा कालिए, यार इसको मैं पीऊंगा कैसे भाई, आधा पानी तो नीचे ही गिर रहा है तेरा, देख मेरा यार तू तो बोतल खाली करके मेरे को दे देना। नहीं मैं एक बार में थोड़ी खाली होगी। अरे यार ये भी प्रॉब्लम है, मुझे पीछे छोड़ के आ गए तुम, क्या कर रहा तू, धीरे-धीरे चल रहा था यार। गाइस यहाँ पे आप देखो यार, ये दोनों कितने खुदगर्ज है, कोई बात नहीं मैं अपना बनाऊंगा अब टेंट, यहाँ पर बनाऊंगा गाइस मैं अपना टेंट। ये देखो जो मेरी है ना पॉलिथीन, वो काफी ज्यादा बड़ी है तो यार मुझे स्ट्रक्चर भी बड़ा बनाना होगा, तो फटाफट से लकड़ियाँ ढूंढता हूँ। ये खा रहे है मस्त आराम से भाई, मेरे पास में तो केवल 2 खाने की चीजें है, अगर मैंने अभी खा लिया ना तो फिर तो मेरे पास में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा, फटाफट से लकड़ियाँ ढूंढता हूँ यार। भाई मैंने यहाँ पर आप देखो बहुत सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ ली है, तो इससे बनेगा मेरा शटर। तो भाई मैं लकड़ियां तो लेके आ चुका हूँ लेकिन है ना अब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी रस्सी की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यार रस्सी नहीं है, केवल ये मेरे पास नहीं है पॉलिथीन है, तो यार कैसे बनूं मैं मेरी झोपड़ी। तो गाइस मुझे रस्सी तो नहीं मिली लेकिन एक आइडिया मिल गया। जी हाँ अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये पॉलिथीन है इसको साइड से कॉर्नर से फाड़ने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर इसकी रस्सी बनाने वाला हूँ। गाइस ये रहा मेरा नया नवेला टेंट, इन दोनों को नहीं आने दूंगा अंदर, वो तो अपनी भाई मैं वैसे भी नहीं आने वाला हूँ, मैं 5-स्टार टेंट बनाने वाला हूँ, तेरा घर क्या तेरी पूरी फैमिली तेरा पूरा का पूरा समाज सब कुछ चला जाएगा। अरे रहने पहले अपने रहने के लिए एक झोपड़ी तो बना ले। गाइस अभी आप देखना भाई 5-स्टार यहाँ पर झोपड़ी बनाऊंगा मैं, 5-स्टार झोपड़ी देखता हूँ वो तो 5-स्टार बनाएगा या 10-स्टार बनाएगा। ऐसा टेंट है ना, ऐसा टेंट पता है, ऐसे टेंट क्या, ऐसे टेंट में मेरे जानवरों को देता हूँ, ऐसे जानवरों को पता है। तो ये भी जानवर सस्ते टेंट, ऐसे सस्ते टेंट लेके जाओ, सस्ते टेंट को मेरे साथ, ये जानवर से कम नहीं है, लेके जाए सस्ते टेंट को। आप थू दे, मैंने थू दिया, आप थू, अभी रात होगी क्या बोलेगा सर भाई आ जाऊं क्या अंदर। गाइस यहां पर आप देखो भाई जो ये मेरा आईडिया है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो ये पॉलिथीन है ना वो बिल्कुल अच्छे से देखो इन दोनों लकड़ियों को जोड़ पा रही है। गाइस आप कभी भी जेब में 250 रुपए डालकर जंगल में मत चले जाना भाई, हालत खराब हो जाएगी भाई, नहीं कर पाओगे सर्वाइव। गाइस यहाँ पर मेरा झोपड़ा बनके तैयार हो गया, और ये देखो अभी तक क्या कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इससे कुछ भी, देखते हो तो देखते गाइस, बताओ आप बताओ किसका अच्छा लग रहा है मेरा या उसका, मेरा लग रहा है ना, मेहनत से बना रहा हूं, फेल जैसा नहीं है ये, रेडीमेड है। ठीक है गाइस मैंने मेहनत की, मेरी किस्मत अच्छी हुई जो मेरे 4,000 रुपए है, इसके 250 रुपए है, क्या क्या खरीदेगा इसको। और गाइस ये देखो मेरा चोपड़ा अंदर से, और ये पीछे खिड़की है जिससे मैं बाहर का व्यू देख सकता हूँ अच्छे से, आपको भी दिखाता हूँ। अरे गधे यहाँ क्यों टॉयलेट कर रहे, तेरी तरफ कर रहे यार, यहाँ बदबू आएगी मेरी खिड़की में से, खुशबू आएगी। गाइस ये देखो पता नहीं इतनी बड़ी खुली जगह है फिर भी यहाँ पे मेरे पीछे आके करना है इसको। फाइनली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो चुका है, और अब मुझे डालनी है इसके ऊपर पॉलिथीन। फाइनली गाइस यहाँ पर जो ये मेरा टेंट है वो बनके तैयार हो चुका है, ये रही गाइस मेरी झोपड़ी, थोड़ी जो इसकी शेप है वो मैं ठीक कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। फाइनली गाइस अब आप देखो मेरी झोपड़ी को, मैंने अपनी झोपड़ी को शेप भी दे दिया है, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। भाई सोने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो ये झोपड़ी की लंबाई है ना वो काफी अच्छी खासी है, और देखो भाई मैं आराम से जो टांगे ना उनको लंबा करके सो पा रहा हूँ। सब कुछ तो गाइस ठीक है लेकिन जो ये जमीन है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है, देखो भाई नीचे पत्थर है,
तो ये थोड़ा चुभ रहा है, लेकिन कोई नहीं यार, मैनेज करूंगा। अब यार 250 रुपए में यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ, तो 250 रुपए में तो भाई ये सब कुछ ही मिलेगा। गाइस भाई मुझे तो लग रही थी भयंकर वाली भूख। यहाँ पे आप देखो भाई, मैंने ना जो मेरे कुरकुरे हैं उनकी ओपनिंग कर ली है और आराम से यार कुरकुरे खा रहा हूँ। देखो वो भिखारी कुरकुरे खा रहा हूँ, देखो सबसे महंगा कुरकुरा मैं खा रहा हूँ। डिब्बे के अंदर आया मेरा कुरकुरा, ऐसे ओपनिंग करता हूँ इसकी ऐसे। ये देखो गाइस, गाइस इसकी बातें सुनकर मुझे वापस एक कहावत याद आ रही है, भले ही आप किसी भिखारी को 2 सोने के कटोरे दे दो, वो मांगने भीख ही वाला है। बेवकूफ, वो कुरकुरे नहीं है, चिप्स है। वो चिप्स है क्या? हाँ, अंदर चिप्स निकल से वो। गाइस मैं तो पहली बार नाम सुना है। ये यार अलग है यार, ये मंगल ग्रह से आया है। गाइस कुछ भी हो, मुझे क्या, मुझे तो पेट भरने से मतलब है। कुरकुरे से भी पेट भरता है, चिप्स से भी पेट भरता है। गाइस लकड़ियां ढूंढते ढूंढते मैं बहुत दूर आ चुका हूँ उनसे, वो पता नहीं कहाँ पे है। वो देखो दिख रहा होगा तो मेरे को, दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, दिख रहा है दूर है काफी। यहाँ पे इधर आ गया मैं, लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गया, ले ली मैंने ये लकड़ियाँ, और देखता हूँ और मिल जाए तो फिर जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। देखो पूरा सुनसान जंगल है ये। गाइस आवाज आवाज सुनो आप, भाई कौन सा जानवरों की आवाज है वो? भाई किसकी आवाज आ रही, खतरनाक थी यार ये तो। पता नहीं यार किस... आवाज किसकी आ रही थी यार? अरे जानवर है ये, जंगली जानवर। नहीं आग जला भाई, आग जला तू, आग जला, जला। प्रॉब्लम होगी भाई, आग जला ले, यहाँ सामने जला ले भाई। फाइनली यहाँ पर आप देखो यार, हमने आग जला ली है और ये आग हम तीनों ने मिलके जलाई है, क्योंकि भाई तीनों को खतरा है यहाँ पर जंगली जानवरों से। बाकी है ना, हम एक दूसरे की खाने पीने की चीजें यूज नहीं करने वाले। ओए तेरे को शर्म नहीं आती, तू नंगा पंगा गया, दो मर्द आदमी बैठे यहाँ पर। अरे तो भाई मैं कौन सी औरत हूँ तो मुझे शर्म आएगी भाई, मैं तो मर्द हूँ। फिर भी क्या हुआ, तेरे दो बड़े भाई बैठे उनके सामने ऐसे कपड़े पहन के आया ना, आना चाहिए। मेरे पास भी पैसे ही नहीं थे ना। अरे तो कोई मेरे से मांग लेता, टी शर्ट दे देता मेरी पुरानी दरानी। गाइस यहाँ पर है ना, ये मेरी मजाक उड़ा रहे है भाई भयंकर वाली, तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ भाई। काम ही ऐसे कर रहा है मजाक उड़ाने की, मैं इसकी टी शर्ट बना लूँ क्या यार? हाँ बना ले। गाइस इस पॉलिथीन की मैं टी शर्ट बनाने वाला हूँ। टेलर है क्या तू? क्या नहीं, मैं इसको फाड़ के बना लूंगा। ले बना, कैसे बनाएगा, तेरी झोपड़ी बिगड़ जाएगी फिर। गाइस यहाँ पर भाई मैं, ओए मेरे पास में पॉलिथीन है, मैं इसकी बनाऊंगा टी शर्ट, देखता हूँ गाइस टी शर्ट है वो बनती है या नहीं। ठीक है गाइस यहाँ पे आप देखो, लुक एट दिस, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है, लग रहा है। मेरी 1 रुपए की सैंडो बनके तैयार हो चुकी है, देखो भाई लग रही है ना, 1 नंबर। मुझे नहीं पता था कि यार इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन हाँ सर्दी से बचा रही है और काफी ज्यादा प्यारी है भाई। सर्दी नहीं लग रही है मुझे अब, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना हो ना, तो यार फटाफट से 10-15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, मैं आपको करवाऊंगा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, क्योंकि मैं प्रोफेशनल डिजाइनर हूँ। देखो भाई ठीक है, भाई ये उर्फी जावेद का भाई नहीं लग रहा आपको? उर्फी जावेद हट, कमेंट करो गाइस लग रहा ना आपको। गाइस ये तो आराम से आग सेक रहे, और मैं तब तक भेलपुरी बना लेता हूँ, डिनर करूंगा, और डिनर में मैं खाऊंगा भेलपुरी और ये बडवाइजर पीऊंगा मैं भाई। हाँ। हमारा भी होगा डिनर तो, तेरा कैसे होगा? हमारे पास भी है खाने के लिए। हाँ तो कर लेना यार, जो जिसके पास है उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। गाइस यहाँ पे ना भाई मैं खाने वाला हूँ बिस्किट, ये अपनी ब्रेड वगैरह बना रहा है। अरे तू सूखी ब्रेड खा रहा है? हाँ वो जिम लगा लेना, मेरे को ज्ञान दे रहा है, पहले बोलना तो सीख ले। जिम ही तो बोलता है, जिम नहीं है जैम है, जैम। जैम है क्या? लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं सूखी खा रहा हूँ। मेरा कभी इन सब चीजों से पाला नहीं पड़ा, मैं ओनली फॉर शुद्ध शाकाहारी खाने वाला हूँ, दाल बाटी चूरमा। लंगूर के हाथ अंगूर लग गया तो ऐसे ही होता है फिर, क्या करो गाइस। वो तो किस्मत में था जो मेरे इतने सारे खुल गए, नहीं तो मैं उसकी तरह बैठा रहता चड्डी पर याद में बिस्किट खाता रहता। तो मेरी बेइज्जती मत कर, चुपचाप उधर जा, पत्थर फेंक के मारूंगा सब, सर फोड़ दूंगा। ये रियल अल्कोहल नहीं है, ये फ्रूट बियर है, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ गाइस। और हम है ना किसी भी नशे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये ओनली फॉर फ्रूट बियर है। अब तो कोई भी आ जाए, अब जंगली जानवर निचोड़ के खा जाऊंगा उसको। ओ सॉरी मैं भूल गया, मैं शाकाहारी हूँ। भाई एक बात बोलूं तेरे को? हाँ बोल। मेरे को सुला ले यार तेरे टेंट पे, इसके अंदर। हाँ। नहीं मैं नहीं सुलाऊंगा, उसके पास हो जा, इसके पास नहीं सो सकता यार, देख नंगा पंगा कैसे लग रहा है। मेरे को जावेद का भाई, मेरे को नहीं पता गाइस, सोने से पहले ये मच्छर नहीं खाने वाली दवाई लगा लेता हूँ, क्या पता यार गाइस हम जंगल में तो मच्छर खा जाए। तुझे कोई नहीं खाने वाला। अरे भाई सेफ्टी जरूरी है, मैं लेकर आया हूँ ना यार अपनी चीजें, वीआईपी आदमी हूँ मैं, तुमको पता नहीं क्या, नंगे पुंगे आदमी। तभी ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा हो रही है गाइस मेरी आज। आज मजा आया, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे गाइस।
गाइस 250 रुपए में जंगल में सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है भाई, काफी ज्यादा मुश्किल। अभी है ना आधी रात हो रही है और जो सर्दी है वो भाई कड़ाके की पड़ रही है। यहाँ पर ये आराम से मस्त सो रहा है भाई, देखो आप ये मस्त सो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर सो रहा है किशोर, उसको भी सर्दी नहीं लग रही होगी क्योंकि ये चारों तरफ से पैक है। तो गाइस सर्दी से बचने का अभी मेरे पास में एक प्लान है, देखते हैं कि काम करता है या नहीं। यहाँ पे देखो भाई मैंने दो पॉलिथीन बचाई थी, तो एक पॉलिथीन को मैं ऊपर ओढ़ने वाला हूँ और एक को नीचे बचाने वाला हूँ। भाई जो आइडिया है ना वो काम तो कर रहा है, मुझे अब बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है इस पॉलिथीन के अंदर। तो भाई साहब अब मैं बच जाऊंगा सर्दी से। मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके भाई ने भाई 250 रुपए में सरवाइव कर लिया, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी मुझे, जला ले इसको। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो यार लग चुकी है मेरे, देख लो आप कितने खतरनाक खतरनाक कट लगे, देखो अरे भाई ये क्या हुआ, कट लग गए, बैंडेज लगा, बैंडेज लगा, अब तो लगा ले, चैलेंज खत्म हो गया वैसे। बेटे मैंने है ना तेरे से कल मांगी थी बैंडेज, तूने दी थी भाई, कल चैलेंज चल रहा था अब खत्म हो गया ना, तो अब दे सकता हूँ, मेरी खाने पीने चीज भी तू ले ले अब तो। तू खा ले भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये बैंडेज लगा दे तू तो। भाई यहाँ पर देखो ये कितना भयंकर वाला कट लगा है मेरे, ये देख कितना बड़ा है यहाँ पर, अरे ये नीचे सो रहा होगा ना इसलिए। भाई यहाँ पे यार मेरे तो स्केच स्केच आ गए, देख लो आप भाई यहाँ पर भी स्केच, ये बता रहा है कितना बड़ा स्केच है ये वाला, बहुत बड़ा है यार, ग्लास कार्ड लगवाना पड़ेगा अच्छा वाला गोरिल्ला ग्लास, गोरिल्ला ग्लास। यहाँ पे भाई पानी भी बहुत कम बचा है मेरे पास में, इतना सा पानी, अगर ये चैलेंज और थोड़ा सा बड़ा होता ना तो भाई हालत खराब हो जाती है, मैं तो बाहर। 250 रुपए में भाई सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और रात में सर्दी लग रही थी भयंकर वाली, तुझे लगी थी सर्दी? बहुत भयंकर सर्दी लगी भाई मेरे को, तो कुछ नहीं लग रहा था गाइस, मैं तो आराम से सो रहा था अंदर बैठ के, और वेपर्स ही वेपर्स खा रहा था मजे करके, दबा के वेपर्स खाए गाइस, दबा के वेपर्स ही वेपर्स। दिनेश चप्पल देने यार चैलेंज खत्म हो गया, दे तो सही एक मिनट काम है। गाइस देख लो आप वेफर्स ही वेफर्स वेफर्स ही वेफर्स खाने का नतीजा। फाइनली गाइस वीडियो है वो दोस्तों यहीं पर ही खत्म होती है, हमने सब ने सरवाइव कर लिया, इसने भी हार नहीं मानी, मैंने भी हार नहीं मानी, किशोर ने भी हार नहीं मानी, वैसे भी वो हार नहीं मानता क्योंकि भाई उसके पास में सारी की सारी चीजें थी सरवाइव करने के लिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल बने हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। और भाई मुझे अभी तक तो पैदल वापस जाना है इस जंगल से बाहर, कांटे कांटे लगेंगे यार।